स्पोर्ट्स फिल्मों का रोमांच अलग ही होता है। इन फिल्मों की खास बात यह होती है कि परिणाम जानते हुए भी क्लाइमैक्स देखने का मजा कम नहीं होता। कलाकारों की परफॉर्मेंस इस रोमांच को एक अलग ही स्तर पर ले जाती है। बोनी कपूर निर्मित इस मैदान का निर्देशन अमित आर शर्मा ने किया है और यह अजय देवगन की चक द इंडिया है। मैदान में एक संवाद है कि फुटबॉल पूरी दुनिया में ऐसा खेल है जिसमें किस्मत हाथों से नहीं पैरों से लिखी जाती है। साल 1962 के एशियन खेलों में भारतीय फुटबॉल टीम ने फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर इसे साबित किया था। साल 1950 से 1977 तक भारतीय फुटबॉल टीम के कोच रहे सैयद अब्दुल रहीम के नेतृत्व में टीम को ब्राजील ऑफ एशिया का दर्जा मिला था। उन्हीं की जिंदगी पर फिल्म मैदान बनी है कहानी की शुरुआत साल 1952 में। नंगे पैर यूगोस्लाविया के साथ खेल रही भारतीय फुटबॉल टीम की हार से होती है। इसका सारा ठीकरा कोच सैयद अब्दुल रहीम अजय देवगन पर फोड़ दिया जाता है। वह इस हार का सही कारण बताते हैं और कहते हैं कि साल 1956 में मेलबर्न में होने वाले ओलंपिक के लिए टीम वह चुनेंगे। सिकंदराबाद से लेकर कोलकाता, मुंबई, पंजाब तक खुद जाकर वह खिलाड़ी चुनते हैं। ओलंपिक में टीम चौथे स्थान तक पहुंचती है। साल 1960 में ओलंपिक में हार के बाद फुटबॉल फेडरेशन उन्हें कोच के पद से हटा देता है। फेफड़ों के कैंसर से जूझ रहे सैयद अब्दुल करीम दोबारा 1960 के एशियन खेलों के लिए कोच के पद पर लौटते हैं। खेल पर बनी चुनिंदा फिल्मों में शाहरुख खान अभिनीत चकते इंडिया प्रभावशाली फिल्म रही है। मैदान उसे टक्कर देती है। निर्देशक अमित रविंद्रनाथ शर्मा ईद पर रिलीज होने वाली इस फिल्म से दर्शकों को ईद ही देंगे। उन्होंने सिनेमा हॉल को स्टेडियम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अतीत में हो चुके मैच का परिणाम पता होते हुए भी उन्हें देखने का रोमांच बना रहता है। इसका श्रेय फिल्म के सिनेमेटोग्राफर तुषार कांति राय, फ्योदोर लियास, तसदुक हुसैन, क्रिस्टोफर रीड को जाता है। वह मैदान के भीतर फुटबॉल खेलते हुए वह शॉट ले आए हैं जिससे लगता है कि आप खुद मैदान के भीतर हैं। इंटरवल से पहले फिल्म धीमी है, खासकर खिलाड़ियों के चुनाव वाले दृश्यों को अमित कम समय में रोमांचक बना सकते थे। साल 1956 के ओलंपिक खेलों में जाने से पहले कोच के साथ खिलाड़ियों की बातचीत या ट्रेनिंग वाला दृश्य ना होना खलता है। हालांकि अमित ने यह सारी कमियां दूसरे हिस्से में दूर कर दी हैं। इंटरवल के बाद कोच के साथ फुटबॉल की ट्रेनिंग से लेकर अंत में ड्रेसिंग रूम के भीतर कोच का टीम को हौसला देने वाला डायलॉग भी है। फिल्म की लिखाई में सैयद अब्दुल रहीम का भारतीय फुटबॉल टीम को विश्व स्तरीय टीम बनाने का सपना, उसके लिए फेडरेशन से लेकर राजनेताओं तक जद्दोजहद, खेल में क्षेत्रवाद का मुद्दा, मुख्य फुटबॉल मैचेस, उन दिनों होने वाली कमेंट्री, उस दौर के उभरते अमेरिकी गायक एल्विस प्रेस्ली का जिक्र, जकार्ता में ओलंपिक में फाइनल से पहले भारतीय टीम पर हुआ हमला, उसके पीछे के कारण और खेल के बीच में कमेंटेटर का मिल्खा सिंह का स्वर्ण पदक जीतने की बात बताना उस दौर के लेकर की गई रिसर्च की गहराई दर्शाता है। कास्टिंग डायरेक्टर्स की सराहना करनी बनती है जो पी के बनर्जी, चुन्नी गोस्वामी, तुलसीदास बलराम और जर्नैल सिंह खिलाड़ियों जैसे हूबहू दिखने वाले कलाकार फिल्म में ले आए। ये कलाकार अभिनय भी कमाल का कर लेते हैं।